हिमाचल सीमा पर स्थित चक्की पुल को खोलने के लिए नूरपुर भाजपा ने सरकार और प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है। मंडल भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र सिंह पठानिया ने कहा है कि 25 जनवरी तक अगर पुल नहीं खोला गया तो 26 जनवरी को नूरपुर की जनता के साथ चक्की पुल पर धरना दिया जाएगा। इन्होंने आरोप लगाया है कि नूरपुर में स्वास्थ्य सेवाएं भी बुरी तरह से चरमरा गई हैं। नूरपुर हॉस्पिटल केवल एक रेफरल यूनिट बनकर रह गया है। इनका कहना है कि आलम यह है कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद के ठेकेदारों को काम पूरा करने के बाद भी भुगतान नहीं मिल रहा है। जितेंद्र सिंह पठानिया ने कहा है कि नूरपुर में 12 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला मदर चाइल्ड अस्पताल अभी तक नहीं बन पाया है और न ही इसका उद्घाटन हो पाया है। यही नहीं, इस अस्पताल के लिए आई मशीनरी को भी ऊना पहुंचा दिया गया है। आज की प्रेस वार्ता में मैंने सबसे जो मुख्य मुद्दा था वो चक्की ब्रिज का था, क्योंकि पिछले 2-2.5 वर्षों से चक्की का ब्रिज जो है वो हैवी व्हीकल्स के लिए बंद पड़ा है। बार बार सरकार को अवगत करवाने के बावजूद भी उसको नहीं खोला जा रहा। पीछे हमने मेमोरेंडम दिया था हमारे SDM महोदय को, तो लाइट मोटर व्हीकल के लिए खोल दिया गया। उस समय हमें बोला गया कि बड़ी जल्दी ही हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए इसको खोल दिया जाएगा, लेकिन साल बीतने को आ गया, बरसात फिर से आ जाएगी, लेकिन उस ब्रिज को नहीं खोला गया। एक कालम खराब था, उसकी रिपेयर नहीं हुई। अब हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 25 जनवरी तक अगर आप इसको नहीं खोलोगे तो 26 जनवरी के रोज जब रिपब्लिक डे है, हम समस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी व समस्त नूरपुर की जनता को लेकर के धरना प्रदर्शन एवं रोष प्रकट करेंगे। इसी तरीके से और बहुत सारे मुद्दे हैं, विकास कार्य जो है नूरपुर के अंदर ठप पड़े हैं। मातृ शिशु हॉस्पिटल जिसकी लागत 12 करोड़ के करीब लगी थी, हमारे लोगों का टैक्स का पैसा उससे ये हॉस्पिटल बना था, बंद पड़ा है, धूल वहाँ पर जम रही है, सरकार का उदासीन रवैया उस और कोई ध्यान नहीं है। पेंडेंसी सभी डिपार्टमेंट में करोड़ों की पड़ी है, कोई देनदारियाँ नहीं हो रही, कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे। इस तरीके से कई ज्वलंत मुद्दे थे जो नूरपुर से कंसर्न थे, उनको लेकर के ये प्रेस वार्ता हमने की है और उम्मीद करेंगे कि सरकार को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से नूरपुर की असलियत का पता चला होगा और जल्दी ही सरकार संज्ञान लेगी और जो जो हमने मुद्दे उठाए हैं उनके समाधान के लिए कार्य करेगी। ये हमने पहले ही निर्णय किया हुआ है कि अगर सरकार ने मातृ शिशु हॉस्पिटल को नहीं खोला या चक्की ब्रिज का, तो आंदोलन अभी शुरू हो जाएगा 26 जनवरी से ही। हम घर घर में जा कर के इन मुद्दों को उठाएँगे और लोगों से आह्वान करेंगे कि अगर सरकार मातृ शिशु हॉस्पिटल को नहीं खोलती तो आप लोगों को बोलेंगे हम कि आप बहिष्कार करो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस का, और जो अपना मतदान है वो भारतीय जनता पार्टी की फेवर में करें।